डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पार्ट सिक्स में हम डिस्कस करेंगे फ्लॉयड्स ट्रायंगल। नेस्टेड लूप के और बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, लेकिन इस सीरीज में हमने पैटर्न्स डिस्कस किए हैं। तो पार्ट सिक्स वीडियो हमारी है फ्लॉयड्स ट्रायंगल पे। फ्लॉयड्स ट्रायंगल में आप देखेंगे आपका फर्स्ट रो में नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसमें आपका आउटर लूप से कोई रिलेशन नहीं है, हाँ, लेकिन आउटर लूप आपकी नम टाइम्स चलेगी, इनर लूप आपकी चलेगी। आपका अगर आउटर लूप में आर की वैल्यू 2 है तो आपकी लूप 2 टाइम्स चल रही है। तो आपका लूप के चलने का पैटर्न वही है, बट जो नंबर प्रिंट हो रहा है वो आपका डिफरेंटली प्रिंट हो रहा है। तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये नंबर इनिशियलाइज हो रहा है हमारी आउटर लूप पे और साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता जा रहा है इनर लूप के हर आइटरेशन के साथ। तो हम अब इसका कोड देखेंगे डेवलपर C++ में। फ्लॉयड ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए हम यूजर से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस आपने इनपुट करनी है, जिसके बेसिस पे आप प्रिंट कर सकें, वो आप नंबर इनपुट करेंगे। प्रिंट वैल एक वेरिएबल लिया है जो आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे r इक्वल टू 1, r लेस देन इक्वल टू नंबर और r प्लस प्लस, जो हमारी आउटर लूप को इंक्रीज करेगा। इसी के साथ हमने अपने प्रिंट वैल को 1 इनिशियलाइज कर दिया है। इनर लूप हमारी एज यूजुअल r टाइम्स चल रही है, लेकिन इसमें नया क्या है कि हर आइटरेशन के साथ प्रिंट वैल को प्लस कर रही है। तो यहाँ प्रिंट वैल पहले 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद जब नेक्स्ट आइटरेशन आएगा तो प्रिंट वैल की वैल्यू नेक्स्ट टाइम के लिए 2 हो गई है, जो ये 2 और 3 प्रिंट करेगा। इस तरीके से आपका आउटपुट प्रिंट होगा। अगर हम इसमें नंबर देते हैं 5, तो आप देखेंगे ये 1, 2, 3 और 15 तक प्रिंट कर रहा है। लास्ट रो जब 5 आएगी, 10 के बाद नंबर हुआ 11, तो नेक्स्ट आइटरेशन में ये यूज करेगा 11 to 15। सो एक ये बहुत इजी मेथड है जिसमें हमने विद इन 5 मिनट्स फ्लॉयड्स ट्रायंगल बनाना सीखा। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस टाइम के लिए क्वेश्चन में आपको नंबर्स मैंने रिप्लेस कर दिए हैं अल्फाबेट से। ट्राई दिस कोड। स्टूडेंट्स, जो भी कोड हमने डिस्कस किए हैं और इस वीडियो का लिंक भी आपको मेरे ब्लॉग पर मिलेगा, और जो भी हमने कोड्स डिस्कस किए हैं वो सब आपको वहां पर पोस्ट में मिल सकते हैं, जिसको कि आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आप इसके लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।